हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग कर्व। दिस इज शिवांगी भदौरिया एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिकॉग्निशन ऑफ टोकन्स बाय लेक्सिकल एनालाइजर। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट लेक्सिकल एनालाइजर इन डिटेल इन माय प्रीवियस लेक्चर। आई थिंक इट वाज लेक्चर नंबर सेकेंड और थर्ड। इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम, देन यू मे क्लिक ऑन दिस आई बटन एंड वॉच माई लेक्सिकल एनालाइजर वीडियो। In this particular lecture, we will discuss about recognition of tokens, that is how tokens can be recognized by lexical analyzer. Basically guys, क्या होता है, जब कोई भी set of string lexical analyzer accept करता है as an input, तो उसको एक set of tokens में convert करता है। तो उस set of string को tokens में convert करने के लिए भी वो कैसे identify करता है, कैसे recognize करता है कि ये particular स्ट्रिंग ये टोकन्स है, मतलब ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग रिलेशनल ऑपरेटर है, ये स्ट्रिंग आइडेंटिफायर है, ये कोई कीवर्ड है। तो किस तरीके से लेक्सिकल एनालाइजर उन टोकन्स को रिकॉग्नाइज करता है, कैसे पहचानता है कि ये पर्टिकुलर टोकन एक आइडेंटिफायर है, ये टोकन एक कीवर्ड है। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम रिकॉग्निशन ऑफ टोकन्स को पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लेट अस कंसिडर दैट वी हैव सर्टेन रेगुलर एक्सप्रेशन सच एस। यहाँ पे कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, तो हम उनसे समझेंगे कि किस तरीके से टोकन्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहले इफ एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है, देन एल्स, ये इफ देन एल्स तीनों के तीनों कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। इफ कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पर्टिकुलर कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है देन एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है। फिर है फोर्थ नंबर पे रिलेशनल ऑपरेटर। जब भी किसी दो चीज़ों के बीच में हमें रिलेशन एग्जिस्ट करना हो, रिलेशन को आइडेंटिफाई करना होता है, हम वहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। देन आई डी स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर यानी कि जैसे कि यहाँ पे और लैंग्वेज दी हुई है, लेटर ब्रैकेट में है, लेटर स्लैश डिजिट ब्रैकेट क्लोज, देन स्टार। स्टार यानी कि क्लोजर। क्लोजर मीन्स इट आल्सो इंक्लूड्स नल वैल्यू एक्सेप्ट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर प्लस डिजिट। लेटर और डिजिट के जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसके साथ साथ ये नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट करेगा। स्टार का मतलब वो नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट करेगा। देन नम यानी कि कोई भी नंबर या कॉन्स्टेंट वैल्यू। डिजिट के ऊपर प्लस साइन लगा है, प्लस एक क्लीन क्लोजर होता है। प्लस का मतलब वो नल एक्सेप्ट नल वैल्यू, ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिट्स आर पॉसिबल, मतलब इसमें नल वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी और बाकी सारे कॉम्बिनेशन ये इंक्लूड करेगा। नेक्स्ट है डेलिम। डेलिम यानी कि डेलीमीटर। डेलीमीटर यानी कि कोई भी सेपरेटर, जैसे कि कॉमा, सेमी कॉलन, ब्लैंक स्पेस, कोई भी टैब, नेक्स्ट लाइन आनी है, तो ये सारे के सारे हमारे होते हैं डेलीमीटर्स। तो इस तरीके से कई सारी रेगुलर एक्सप्रेशंस होती है जिसको हम रिकॉग्नाइज करके पर्टिकुलर टोकन की कैटेगरी में उसको हम ऐड करते हैं। देर आर सर्टेन रूल्स विच आर यूज्ड बाय लेक्सिकल एनालाइजर टू रिकॉग्नाइज टोकन्स। दैट इज यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिसकी हेल्प से लेक्सिकल एनालाइजर टोकन्स को रिकॉग्नाइज करता है और उनको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करता है। नंबर वन, फर्स्टली द एनालाइजर हैज़ टू डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ टोकन्स आर टू बी जनरेटेड विथ व्हाट एट्रीब्यूट्स फॉर द इनकमिंग इनपुट स्ट्रिंग। दैट इज़ सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर ये आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप का हमें टोकन जनरेट करना है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब जो भी इनकमिंग इनपुट स्ट्रिंग आती है लेक्सिकल एनालाइजर के पास एज एन इनपुट, तो लेक्सिकल एनालाइजर सबसे पहले उस इनपुट स्ट्रिंग को एनालाइज करता है और ये डिफाइन करता है कि इस स्ट्रिंग से किस टाइप का टोकन जनरेट करना है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल है, टोटल इक्वल्स टू काउंट प्लस रेट स्टार 10, ये एक अभी सेट ऑफ स्ट्रिंग है, एक इनपुट स्ट्रिंग जो लेक्सिकल एनालाइजर एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले वो ये चेक करेगा कि ये टोटल जो है वो किस टाइप का टोकन है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जब वो ये आइडेंटिफाई कर लेगा, ये श्योर कर लेगा, तो फिर उसको ये टोटल को वो आइडेंटिफायर कंसिडर करेगा। देन फिर वो आगे मूव करेगा, इक्वल्स टू उसको मिलेगा, इक्वल्स टू को फिर वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर
कंसिडर करेगा, देन काउंट, काउंट भी एक आइडेंटिफायर हो जाएगा प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, देन रेड, देन स्टार, देन टेन, देन सेमी कॉलन. तो इस तरीके से वो एक एक लेटर को एक टोकन कंसिडर करके और उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको रिकग्नाइज करके उसको कैटेगराइज करता है. तो इस तरीके से पहला स्टेप वो कंप्लीट करेगा. देन नेक्स्ट स्टेप, द कॉलम एट्रीब्यूट्स वैल्यू इज कीप ब्लैंक इंडिकेट्स दैट नो एट्रीब्यूट वैल्यू इज पास्ड. अगर किसी भी कॉलम की एट्रीब्यूट वैल्यू ब्लैंक है, खाली है, तो वो ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट वैल्यू पास नहीं की गई है, वो एक ब्लैंक स्पेस है. नंबर थर्ड, फॉर एवरी डेफिनेशन देयर इज एन ऑटोमेटा इनसाइड एंड दस अ ट्रांजिशन डायग्राम. हर एक डेफिनेशन के करस्पॉन्डिंग उसका एक ऑटोमेटा होता है, इधर इट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. और हर एक ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग उसका एक ट्रांजिशन डायग्राम होता है जिसकी हेल्प से हम टोकन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इजीली. सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स विच आर यूज्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ टोकन्स. गाइस यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसको तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. नंबर वन रेगुलर एक्सप्रेशंस, सेकंड टोकन्स, थर्ड एट्रीब्यूट वैल्यू. रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर वो सारी एक्सप्रेशंस आती हैं जो बेसिकली एक इनपुट स्ट्रिंग के अंदर होती है या जिनको हम टोकन के रिकॉग्निशन में यूज़ करते हैं. और हर एक एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग उसका एक टोकन होता है, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन है तो वो किस टोकन के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो उसको हम टोकन्स में रिप्रेजेंट करते हैं. और हर एक टोकन के करस्पॉन्डिंग उसकी एक एट्रीब्यूट वैल्यू होती है. तो सबसे पहले एक्सप्रेशन है इफ़, इफ़ कम्स इन टोकन इफ़. इफ़ जो है इफ़ एक कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ होता है, इफ़ देन एल्स. तो उसका जो टोकन होगा वो इफ़ होगा, उसकी कोई एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस से रिप्रेजेंट किया हुआ है. हमने रूल नंबर थर्ड जो देखा था, रूल नंबर सेकेंड, तो उसमें कहा था जब कोई भी कॉलम की एट्रीब्यूट वैल्यू ब्लैंक है इसका मतलब उसकी कोई भी वैल्यू पास नहीं की गई है. सिमिलरली अगर हम देन देखें तो देन देन जो है एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसका टोकन देन है और उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू कुछ भी नहीं है, ब्लैंक स्पेस है. आफ्टर दैट एल्स, एल्स की टोकन वैल्यू एल्स है, एट्रीब्यूट वैल्यू नल है उसका. देन आई डी, आई डी यानी कि कोई भी आइडेंटिफायर, टोकन आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट हम उसको आई डी से करते हैं. और उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू में लिखा हुआ है पॉइंटर टू सिंबल टेबल ओनली. इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी आइडेंटिफायर को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उस टाइम पे हम जो भी आइडेंटिफायर वैल्यू पास करते हैं तो उसको हम सिंबल टेबल के अंदर स्टोर करके रखेंगे. उसके बाद नम, नम एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी नंबर है, वो भी पॉइंटर टू सिंबल टेबल ओनली. कि जब भी टोकन या फिर कोई भी लेग्जीम उस हम पास करते हैं तो उसको भी हम सिंबल टेबल के अंदर स्टोर करेंगे. आफ्टर दैट लेस देन, लेस देन एक रिलेशनल ऑपरेटर है और उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू को हम एल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एल टी यानी कि लेस देन. उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू रेगुलर एक्सप्रेशन है, टोकन वो भी रिलेशनल ऑपरेटर है और रिलोप से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू को एल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एल ई यानी कि लेस देन इक्वल्स टू. देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इज ऑल्सो रिलेशनल ऑपरेटर और एट्रीब्यूट वैल्यू इसकी है जी टी यानी कि ग्रेटर देन. आफ्टर दैट ग्रेटर देन इक्वल्स टू इट इज ऑल्सो एन ऑल्सो रिलेशनल ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाई रिलोप, एट्रीब्यूट वैल्यू है जी ई यानी कि ग्रेटर देन. देन लेस देन इक्वल्स टू इट इज ऑल्सो रिलेशनल ऑपरेटर एंड इट्स एट्रीब्यूट वैल्यू इज़ एन ई, इट मीन्स नॉट इक्वल्स टू. नॉट इक्वल्स टू को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दीज ऑल आर रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग टोकन्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यू. गाइज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वेरियस रेगुलर एक्सप्रेशंस, आउट ऑफ विच वी विल डिस्कस अबाउट टू रेगुलर एक्सप्रेशंस इन डिटेल. फर्स्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर, सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट रिकॉग्निशन ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर. तो बेसिकली इसको हम रिलोप से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स दिए हुए हैं जस्ट लाइक लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू. तो इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम एक ट्रांजिशन फॉर डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे कि किस तरीके से हम
टोकन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट सिंबल लेंगे। स्टार्ट सिंबल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक एरो शो हो रहा है, तो यानी कि ये जो स्टेट है वो स्टार्ट सिंबल है। और यहाँ पे जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज़ हैं, ये कोड है जो हर एक टोकन के करस्पॉन्डिंग होता है। तो स्टार्ट सिंबल पे हमने 0 लिया, और रिलेशनल ऑपरेटर हम सबसे पहले लेते हैं लेस देन इक्वल्स टू। तो जब इनपुट में हमने लेस देन दिया, तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी हमारी वो है 1। फिर उसके बाद हमारा इनपुट है इक्वल्स टू। इक्वल्स टू के बाद नेक्स्ट स्टेट वो 2 पे पहुंचेगा। 2 हमारी फाइनल स्टेट होगी, और रिटर्न क्या करेगा, रिलोप यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर कॉमा LE। LE यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा था, लेस देन इक्वल्स टू। फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेटर लेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन, सॉरी नॉट इक्वल्स टू लेते हैं सबसे नेक्स्ट। तो सबसे पहले उसका लेस देन सिंबल था, नेक्स्ट स्टेट हम 1 पे आते हैं। नेक्स्ट उसका ग्रेटर देन सिंबल था, तो फाइनल स्टेट वो 3 पे पहुंचेगा। फिर रिलेशनल रिटर्न क्या करेगा, रिलोप यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर कॉमा NE यानी कि नॉट इक्वल्स टू। फिर हम इसका तीसरा ट्रांजिशन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे लेस देन, और लेस देन के बाद हम कोई भी इनपुट स्ट्रिंग लेते हैं, ले सकते हैं कोई भी लेक्सीम ले सकते हैं। तो उससे हम नेक्स्ट स्टेट 4 पे पहुंचेंगे, जो हमारी फाइनल स्टेट होगी। और यहाँ पे क्लीन क्लोजर यूज़ किया है, यानी कि एस्ट्रिक जो यूज़ हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग आ सकती है, कोई भी इनपुट वैल्यू आ सकता है, कोई भी इनपुट स्ट्रिंग आ सकती है। और रिटर्न वैल्यू क्या किया है इसने, रिलोप कॉमा LT यानी कि लेस देन। इससे जो छोटी होगी वैल्यू, वो कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजिशन यहाँ फॉर्म हो सकता है। अगर हम सिंपल इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट स्टेट इज़ द स्टार्ट स्टेट, जहाँ पे 0 को शो किया गया है। आफ्टर इक्वल्स टू जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो 5 इज़ द फाइनल स्टेट, एंड इट विल रिटर्न रिलोप कॉमा EQ। EQ स्टैंड्स फॉर इक्वल्स टू। फिर नेक्स्ट जो ऑपरेटर है, नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो 0 में सबसे पहले जो इनपुट स्ट्रिंग आएगा वो आएगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन को एक्सेप्ट करने के बाद जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसकी 6 होगी। 6 के बाद वो इक्वल्स टू एक्सेप्ट करेगा, और फाइनल स्टेट 7 पे पहुंचेगा। 7 इज़ द फाइनल स्टेट, एंड इट विल रिटर्न रिलोप कॉमा GE। GE स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन। ये इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू है, जो हमने टेबल में पढ़ा था। अब इन ऑपरेटर्स के अलावा भी हम कोई और ऑपरेटर्स या फिर कोई भी इनपुट स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। तो उसके लिए अकेला हम अगर इक्वल्स टू लेते हैं, 0 जब ग्रेटर देन को एक्सेप्ट करेगा, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेट होगा 6। 6 के बाद वो कोई भी लेक्सीम को एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकता है, और फाइनल स्टेट 8 पे पहुंचेगा। फाइनल स्टेट हमने डबल सर्कल से यूज़ किया, रिप्रेजेंट किया हुआ, इट मीन्स ये फाइनल स्टेट है। और यहाँ पे हमने एस्ट्रिक को यूज़ किया, यानी कोई क्लीन क्लोजर है। कोई भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हम इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई भी लेक्सीम एक्सेप्ट कर सकता है, ये हमारा ट्रांजिशन डायग्राम। एंड इट विल रिटर्न रिलोप कॉमा GT। GT यानी कि ग्रेटर देन, जो इससे बड़ी वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट होंगी, सारा इनपुट स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हियर वी विल डिस्कस अबाउट रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिफायर्स, और इसको हम जनरली ID से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 3 स्टेट हमने यूज़ की हैं, और उसमें वैल्यू दी है 9, 10, 11। 9, 10, 11 ये कोड वैल्यूज़ होती हैं हर एक टोकन्स की, और 9 यहाँ पे इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट को हम एरो की हेल्प से शो करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेट थी हमारी 9, उसने इनपुट स्ट्रिंग कोई भी लेटर लिया, और नेक्स्ट स्ट्रिंग जो उसकी होगी 10। 10 पे एक सेल्फ लूप लगा हुआ है। सेल्फ लूप यानी कि लेटर स्लैश डिजिट, यानी कि यहाँ पे कोई भी लेटर और डिजिट का एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पे बीच में आ सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है लेटर और डिजिट का। फिर उसके बाद अगर इन लेटर और डिजिट के अलावा कोई स्ट्रिंग यहाँ पे आती है, कोई भी इनपुट आता है, तो 10 उसको एक्सेप्ट करेगा जो हमने अदर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और फाइनल स्टेट 11 पे पहुंचेगा। तो 11 यहाँ पे फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि उसको डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उसके ऊपर भी एक सेल्फ लूप है, और उस पर एस्ट्रिक लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर प्लस डिजिट, लेटर और डिजिट का यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट हो सकता है इस ट्रांजिशन डायग्राम में। तो इस तरीके से हम किसी भी आइडेंटिफायर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिशन डायग्राम। एंड इट विल रिटर्न 2 वैल्यूज, इधर इट इज़ गेट टोकन
कॉमा इंस्टॉल आईडी। अब ये गेट टोकन और इंस्टॉल आईडी क्या है? गेट टोकन मीन्स इट सर्चेज द आइडेंटिफायर्स इन द सिंबल टेबल एंड इफ इट फाइंड्स देन रेफरेंसेस आर पास्ड एज एट्रीब्यूट्स विद टोकन आईडी। गेट टोकन में क्या करेगा, जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो आइडेंटिफायर को सिंबल टेबल में सबसे पहले सर्च करेगा। अगर सिंबल टेबल के अंदर उसको वो पर्टिकुलर आइडेंटिफायर मिल जाता है, फिर वो उसका एड्रेस फाइंड करेगा और उस वैल्यू को उस पर्टिकुलर टोकन आईडी के साथ में पास करेगा। जैसा कि हमने अपने टेबल में देखा था, जो आईडी और नंबर रेगुलर एक्सप्रेशंस थी, तो उसकी जो एट्रीब्यूट वैल्यू थी वहाँ पे लिखा हुआ था पॉइंटर टू सिंबल टेबल ओनली, यानी कि उसको हम सिंबल टेबल में सर्च करेंगे सबसे पहले, मिलता है तो उसका हम एड्रेस पास कर देंगे उसी टोकन आईडी के करस्पॉन्डिंग। और नेक्स्ट हमारा जो वैल्यू है वो है इंस्टॉल आईडी। इंस्टॉल आईडी यानी कि अगर सिंबल टेबल में वो पर्टिकुलर आइडेंटिफायर नहीं मिलता है तो उस केस में इंस्टॉल आईडी जो है, इंस्टॉल आइडेंटिफायर, वो इन्वोक हो जाएगा, जो सबसे पहले क्या करेगा, आइडेंटिफायर का नाम एंटर करेगा और उसके बाद सिंबल टेबल, और फिर उसका सिंबल टेबल में उसको पास करेगा और उसका फिर एड्रेस को पास करेगा। इंस्टॉल आईडी जो है, अगर उसको मिलता है सिंबल टेबल में आइडेंटिफायर तो गेट टोकन इन्वोक होगा, अदरवाइज इंस्टॉल आईडी इन्वोक होगा और उसको आइडेंटिफायर के नेम को सबसे पहले उस सिंबल टेबल में एंटर करेगा, फिर उसके बाद उसका एड्रेस पास करेगा और इस तरीके से वो सेट ऑफ स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करेगा एज अ टोकन। सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट रिकॉग्निशन ऑफ टोकन्स, किस तरीके से लेक्सिकल एनालाइजर किसी भी टोकन को रिकॉग्नाइज करती है और उसको सेट ऑफ टोकन्स में कन्वर्ट करती है और फर्दर फिर पास करती है सिंटैक्स ट्री को। सो दैट्स ऑल अबाउट रिकॉग्निशन ऑफ टोकन्स। तो इस तरीके से इन सारे लेक्चर्स में मैंने यूनिट फर्स्ट पूरी कवर की हुई है। नाउ अब आगे नेक्स्ट लेक्चर से यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड यानी कि ये मैं यूनिवर्सिटी के करिकुलम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है RGPV का, उसमें यूनिट फर्स्ट तक ये सारे टॉपिक्स थे। अब यूनिट सेकंड से जो टॉपिक्स स्टार्ट होंगे वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स मोर एंड मोर। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस अबाउट माई अपकमिंग लेक्चर्स। स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू सून गाइस, थैंक यू।